सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबर। क्या नाम देंगे ना? देखिए और ये बताओ, ये पुलिस वाला कौन है? हम बात करा रहे हैं, 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 बात करा रहे हैं। सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज के भटमई चौकी प्रभारी के क्षेत्र के अकोड़ी बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का कारनामा उजागर हुआ है। अकोड़ी बाजार निवासी कासिम अपने दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दुकान पर बैठा था, तभी गोसाईगंज थाने के भटमई चौकी प्रभारी ने कासिम से बाइक का कागजात मांगा। कागजात घर पर होने की जानकारी मिलते ही दरोगा जी ने अपनी वर्दी का धौंस दिखाते हुए कासिम की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान बाजार में आए आसपास के लोग तमाशबीन बने पुलिसिया तांडव देखते रहे। इसी बीच किसी ने पुलिसिया तांडव का वीडियो शूट कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। मैंने बोला सर ये मेरा गाड़ी है, और गाड़ी रहने के बाद में उसके बाद बोला कि गाड़ी तुम्हारा है, तो बोले गाड़ी की कागज लेके आओ। बोला हाँ सर ठीक है। इतने पे इन्होंने मेरा जबरदस्ती कॉलर पकड़ लिए, पुलिस वाले ने जबरदस्ती मेरा इन्होंने कॉलर पकड़ लिया, बोले गाड़ी की कागज लेके आओ, हम इतना टाइम कहाँ इंतजार कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, बाजू में मेरा मकान है और हम सर कागज लेके आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। उस बाद मेरे से रोटना घसटना मारना शुरू कर दिया सर, डंडे से मारे, उसके बाद थप्पड़ मारे और मेरा गिरेबान पकड़ के इन्होंने फाड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने कासिम समेत कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की माने तो युवक की बाइक पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था। पुलिस द्वारा कागज मांगने पर युवक लड़ाई पर उतारू हो गया और पुलिस से भिड़ गया। गांव की कुछ भीड़ भी आने लगी, जिससे युवक मौका पाते ही फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज सायंकाल थाना गोसाईगंज के भटमई चौकी इंचार्ज अकोड़ी में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दरमियान एक व्यक्ति सफ़ेद अपाची से और उस पर पुलिस का लोगो लगाया हुआ है, उसका नाम जो था मोहम्मद काशिम, उससे ये पेपर मांगा गया कि पेपर दिखाओ, तो पेपर वो नहीं दिखाया और पुलिस पे आमदा फौजदारी की लड़ाई करने के मूड में आ गया। तब तक और भीड़ भाड़ आ गई गाँव की, जिससे वो मौका पाकर फरार हो गया। वहाँ पर कुछ महिलाएँ आ गई थी, जिससे विरुद्ध अब अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और अधिक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से 944 न्यूज के लिए अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज